दोस्तों ये जो महादेव की मूर्ति है आप देख सकते हो, ये 34 फीट की होगी। यहाँ पे लिखा है ये 34 फीट की, और आप ये पीछे देख सकते हो चिखली में ही आया हुआ है। और ये मंदिर है मल्हारेश्वर मंदिर, मल्हारेश्वर महादेव। और बाजू में कावेरी रिवर है यहाँ पे, और बढ़िया प्लेस तो है। मॉनसून सीजन में जब बहुत बाढ़ आई थी तो ये महादेव की मूर्ति है, यहाँ तक शायद पानी आ गया। चिखली में आए और जलरा मुखमा ना खाए तो ऐसा बन सकता है क्या? यहाँ का फेमस है नवसारी जिले में टोटल, यहाँ का जलरा मुखमा फेमस है चिखली में। तो ये आएगा एक बार ट्राई कीजिएगा खमन जरूर, अभी बताते हैं। दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है, और आज हम जाने वाले हैं नवसारी जिले के चिखली तहसील में, और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाएंगे, कुछ जो खरीदी कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो, वो बताएंगे आपको। तो चलिए अभी निकलते हैं चिखली में।
बनाउस। दोस्तों चिखली में आए और जला मखमा ना खाए तो ऐसा बन सकता है क्या? यहाँ का फेमस है नवसारी जिले में टोटल, यहाँ का जला मखमा फेमस है चिखली में, तो अभी आएगा एक बार ट्राई कीजिएगा खमन जरूर। अभी बताते हैं हम। दोस्तों ये जो महादेव की मूर्ति है देख सकते हो, ये 34 फीट की हो और चिखली में ही आया हुआ है। ये मंदिर है मल्हारेश्वर मंदिर, मल्हारेश्वर महादेव, और बाजू में कावेरी रिवर है और बढ़िया प्लेस है। देव की मूर्ति और अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। दोस्तों मॉनसून सीजन में जब बहुत बाढ़ आई थी तो ये महादेव की मूर्ति है, यहाँ तक शायद पानी आ गया था। वीडियो होगा तो ऐड कर दूंगा। ये कावेरी नदी में बहुत सारा पानी आया था तभी यही हुआ था, हादसा बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो सही सलामत है। दोस्तों ये था चिखली, चिखली का बाजार बताया हमने और खमण हाउस, जो प्रख्यात प्रख्यात जो चीज़ें हैं चिखली में वो दिखा दी। तो आई होप आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रही हमारी कावेरी रिवर, ये बड़ा रास्ता है ऊपर वाला और ये अभी हम छोटे रास्ते से जा रहे हैं।
और अभी हम वहाँ पे जाके आए हैं। रास्ता बहुत ही गंभीर है, वो रहा महादेव का मंदिर।